संत कबीर नगर के मेहतावल में साइबर वीर योद्धा कार्यक्रम में, जिसमें उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे का आगमन होना था, कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर हंगामा किया गया। बताया जा रहा है कि यह प्रकरण जो विधायक और सांसद के बीच जूता चली थी, उसी को लेकर विधायक के समर्थकों ने शरद त्रिपाठी के खिलाफ नारे लगाए और उनको टिकट न देने की अपील की। बात करते हैं अपने संवाददाता पीएन पांडे से और जानते हैं कि क्या है वहां का ताजा हाल। तो पीएन पांडे जी, बताइए क्या था मामला कल का? कल आपके सिद्धार्थनगर में कुछ भाजपा के किसी मीटिंग में कार्यकर्ताओं द्वारा कोई अभद्रता की गई, क्या था मामला पूरा? जी सर, मामला ये था कि कल महेंद्र नाथ पांडे जी का आगमन था मेहतावल में, जगत गुरु शंकराचार्य में, और जूता कांड को लेकर के विधायक के कुछ समर्थकों के द्वारा सुनना रहा है जो है कि ऐसा देखा गया कि वहाँ पे बवाल किया गया है। अच्छा, और क्या क्या मांग थी, जिस तरह की मांग थी कि शरद त्रिपाठी को? हाँ, शरद त्रिपाठी को टिकट न दिया जाए, इन लोगों का ही मांग है। तो क्या अभी तक वहाँ से टिकट कंफर्म नहीं है क्या? नहीं, टिकट यहाँ पे कंफर्म नहीं हो पा रहा सर अभी तक। तो क्या माहौल है वहाँ का, किस तरह जनता का क्या रिएक्शन है इस मामले को? जनता का रिएक्शन मैंने जनता का क्या कहें, मैंने जो यहाँ पे समर्थक थे विधायक जी के, जो समर्थक थे उनका यही मांग है कि शरद त्रिपाठी को टिकट न दिया जाए और बाकी जो भी आए उसका स्वागत है। और दूसरा तरफ बात यह है कि यहाँ पे गठबंधन का पोजीशन काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। जी चलिए ठीक है, आप उस पर नजर बनाए रखिएगा। और एक चीज है कि इसके बाद क्या उस हंगामे के बाद कार्यक्रम संभव हो सका कि नहीं? नहीं, कार्यक्रम कोई संभव नहीं हो सका, सब उनका आगमन भी स्थगित हो गया। ओके, धन्यवाद। इस तरह की नारेबाजी और कार्यकर्ताओं के इस तरह के व्यवहार को देखते हुए ये प्रतीत हो रहा है कि योगी और मोदी सरकार की मुसीबतें पूर्वांचल में कम नहीं होती। पहले जूता कांड के बाद लोगों द्वारा काफ़ी निंदा की गई इस कार्यक्रम की और कार्यकर्ताओं के उस व्यवहार की। काफ़ी दिनों तक हंगामा चला, ये कुर्सियों के टूटे हुए रूप आपको यह व्यक्त करते हैं कि क्या हो रहा है संत कबीर नगर में। क्या इस तरह की आपसी लड़ाई से पार्टी को नुकसान पहुंचेगा, यह तो देखना ही होगा। क्या रहती है जनता की कबूल और क्या सोचती है जनता, इसके बारे में भी हम आपको अब तक पहुंचाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या है पूर्वांचल में चुनाव का हाल। इस कार्यक्रम में पुलिस ने कार्यकर्ताओं को इधर उधर करने के लिए लाठियां भाजी, कार्यकर्ताओं ने सांसद विरोधी नारे लगाए और इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। जुड़े रहें जनमंच खबर के साथ। आपका जनमंच खबर में जुड़ने के लिए धन्यवाद।